हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक और ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एक्सप्लोर विद आसिम में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज शादाब भाई भी हैं। हम लोग आज एवेन्यू मॉल आए हुए हैं। और क्यों आए हुए हैं अभी आप लोग जान जाएंगे। तो मूवी देखने नहीं आए हुए हैं क्योंकि हम लोग मूवी नहीं देखते हैं। ये मॉल आज की हमारा ऑफ है। और शादाब भाई से कुछ मैं सवाल पूछने वाला हूँ। शादाब भाई, आप थोड़ा इधर देखिए, क्या आप रेडी है? एवर रेडी, एवर रेडी है। तो आप सबसे पहले बताइए एवेन्यू मॉल के बारे में कुछ आप बोलिए। एवेन्यू मॉल में ये कहूंगा कि ये पहरन का, हाँ, एवेन्यू मॉल पहरन का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है, मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे लगता है कि यहाँ के 99 लोगों को पसंद होगा क्योंकि बिल्कुल ये बहुत ही इलिगेंट, काफी सुपेरियर और काफी बढ़िया मॉल है। काफी बड़ा भी है, काफी स्पेशियस भी है, काफी ब्रांडेड भी है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा कि पहरन का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉल है ये। तो यहाँ कोई भी अगर पहरन कभी भी आए तो यहाँ मस्ट जरूर विजिट करें। हाँ, विजिट करें, आप देख भी सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मौजूद है, तरह तरह के खाने ग्रीन भी। होटल्स, हाँ, प्लेज, और एंजेलिना एंजेलिना, एंजेलिना में कौन सा खाना मौजूद है? आप किस तरह का फूड? सर इटालियन है ना? इटालियन, इटालियन एंड इटालियन। फ्रेंच। हाँ, और ये चाइना, चाइना स्टारबक्स। स्टारबक्स तो है यहाँ पे, अलशाया का। सही। और हमारे भाई, यस, हेलो, आप कहाँ से पे हैं? मैं इंडिया, इंडिया से? जी इंडिया से कहाँ पे? इंडिया, झारखंड। झारखंड से? जी झारखंड से, झारखंड से। किधर जा? झारखंड से किधर? झारखंड से मैं गिरिडीह, झारखंड। अरे बस, रांची? नहीं, हजारीबाग। गेस्ट करो किधर से हुए। मेरे को तो लग रहा है आप माल्टोल से। नहीं, मैं कोडरमा जिला से हूँ। झुमे तिलैया जानते हैं? हाँ, झुमे तिलैया। बस में वही। ओ, झुमे तिलैया, ये मैं गया था अभी 2 साल पहले। आप यहाँ कौन से रेस्टोरेंट काम कर रहे हैं? यहाँ मैं डंकिन डॉट काम कर डंकिन रहा हूँ। डंकिन डंकिन अच्छा। बारन का क्या हाल है? आप कैसे लग रहे हैं आप लोग? मस्त है भाई, बस मस्त। 3 ही काम है यहाँ पे। आप कितने सालों के बने? बस ये दूसरा साल चल रहा है मेरा। दूसरा साल चल रहा है। बिजनेस कैसा है अभी आपका? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। 80% 70% लोग बहुत कम आ रहे हैं। लगभग आपके यहाँ यहाँ बिजनेस पहले में पहले ऐसा नहीं रहा क्योंकि मैं तो यहाँ काफी साल से हूँ, 6-7 साल से हूँ। पहले भी था, फिर दुबई में भी था, तो अभी कम है पहले से। पहले ऐसा नहीं रहा क्योंकि पहले काफी आते थे सऊदी के, कुवैत के लोग। अब थोड़ा पहले से कम आना हो गया है लोगों का, तो अब इसकी बात है बिजनेस पहले से काफी थोड़ा डाउन हो गया। पहले ऐसा नहीं। तो अगर लोग अभी विजिट वीजा में यहाँ आना चाह रहे हैं, विजिट वीजा के बारे में आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना लोगों को जो आना चाह रहे हैं अभी। जी बहुत जी सारे जी लोग जी जी मैं ये कह देता हूँ कि विजिट वीजा में अपना है क्योंकि अभी रिसेंटली ने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया जॉब। काफी सालों से था लोग यहाँ विजिट वीजा पे आके जॉब ले लेते थे, लेकिन अभी फिलहाल बैंड है ये। तो अभी कोई भी विजिट वीजा पे ना है यहाँ। और वर्क वीजा के आए बारे तो में क्या वर्क है? वीजा पे आए। वर्क वीजा आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा साइट है, एक्सपेक्टेड है, आपका लिंक्डइन है, जितने भी ऑनलाइन साइट, उससे डायरेक्ट अप्लाई करें, डायरेक्ट इंटरव्यू करें, फिर मौका यहाँ मिलता है तो स्पॉन्सर कर तो पाए यहाँ डायरेक्ट, वो बेहतर है। वो बेहतर है। और एजेंट का वगैरह के बारे में? एजेंट, कोई कोई एजेंट होता है, बहुत कम ही एजेंट है जो आपका सही होता है। मैक्सिमम तो फ्रॉड होता है। अगर एजेंट अगर सब कुछ बराबर, अगर इंटरव्यू करवा के सब कुछ ऑफर लेटर दे के सब कुछ बराबर कर रहा है, पैसा बाद में दे रहा है, तब आदमी आगे देख सकता है। लेकिन बराबर सब कुछ होना चाहिए उसके हिसाब से। हर फैसिलिटी पहले आप चेक कर ले उसे, यानी कि आपको सारा डिटेल्स आप पहले पूछ ले उस एजेंट से। हाँ, बिल्कुल। तब बेहतर है, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि आपने कुछ पूछा नहीं यहाँ के कुछ और। अच्छा, मैं भी बताना चाहता हूँ, बहरेन में सैलरी का भी उसी होता है, टाइम पे सैलरी है या नहीं है वो भी चेक कर ले तो जो लोगों बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है वो टाइम पे ही देता है। छोटी को। कंपनी में प्रॉब्लम होता है सैलरी का, सही। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी, अरबी कंपनी है, बहरेनी कंपनी, सऊदी कंपनी है, वहां पे टाइम से मिल ही जाता है सैलरी मैक्सिमम कंपनी में। रेस्टोरेंट में कब से मिलता है? 1 से 5 के बीच में? 1 से 10। 1 से 10 है ना भाई? 5 का बीच में 10? 1 से 10 के बीच। 24 से 24 अकाउंटेबल है उसके बाद। जुमित्रे में गया था 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। बड़ा पहली बार गया था, बड़ा मजा। ये क्लोज हो गया, पूरा गया होके गया था, पूरा पटना गया होके, गया पटना होके झुमरी तलैया घूम रहे। क्या क्लोज हो गया अभी मॉल? मॉल को क्लोज हो गया लगता से। दिखा दो कितना अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे, ये कहाँ सब लोग जा रहे हैं अभी काम करके। रेस्टोरेंट क्लोज हो गया, सिसर क्लोज हो गया, ये एक मतलब क्या कुछ जो सुखा था क्या? सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को भी बोल रहा जाने के लिए। अच्छा, सनीमा सनीमा के लिए। हाँ, सनीमा कैसे कैसे क्या क्या आने के बड़ा है।
सदा भाई तो उतर ही निकल गए। दादा आप एचएम से क्यों नहीं लेते कुछ कोड? क्या एचएम भी क्लोज हो गया, हम लोग लेने आए थे ना कुछ। अभी सब क्लोज हो गया, अभी 12 बजने वाला है तो इसीलिए अभी यहाँ पे मॉल बंद हो जाता है वीकेंड में। थर्सडे फ्राइडे रुकता है, लेट से खुला है तो थर्सडे फ्राइडे आने की हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ आप लेने चाह रहे थे ना कुछ, कोई एडिडास का शूज वगैरह देखे थे तब? हाँ देखा था लेकिन शॉप तो क्लोज हो गया, लेट हो गया। नेक्स्ट लेंगे हम, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे हम लोग। देखिए सब जल्दी क्लोज हो गया है। देखता नहीं सबको कितना अच्छा ये डालता है उसमें। हाँ। वर्किंग हो जाता है, मतलब इसे करके ब्लाइंड टू ब्लाइंड जाता है, लाइन टू लाइन हाईलाइट होता है, टाइम हाँ। अब हम लोग चलने के लिए तैयार हो गए घर। सदाब भाई ये देखिए रूम की तरफ जाने लगे हैं और एवेन्यू से निकल चुके हैं। अब हम सिग्नल की तरफ जा रहे हैं। हम सदाब भाई से कुछ बात कर रहे थे कि क्या चेंजेस कर सकते हैं आप इंडिया में, देख रहे हैं आप यहाँ रोड कैसे है क्या है। हमारे इंडिया के भी रोड बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ रूल जो हम फॉलो नहीं करते हैं जो सबको फॉलो करना चाहिए, वो रूल क्या है मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे लोग क्रॉस करते हैं रोड और क्या नियम है जिससे कि आप आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं। वो बड़े बड़े गाड़ियों, वो वीआईपी गाड़ी है, कोई भी आपके लिए सिग्नल के लिए रुकेंगे, कहे ना बाईसाइकिल है या पैदल चल रहे वो आपके लिए रुकेंगे। बस आपको एक बटन प्रेस करना, ये जो सिग्नल देख रहे हैं उसमें वो बटन दिया रहता है, आप बस उसको प्रेस कर दें वो आपके लिए रुकेंगे। ये हमारे इंडिया में भी होना चाहिए टेक्नोलॉजी, ताकि लोग आराम से पास हो सके, हाईवे में एक्सीडेंट कम हो। तो सदाब भाई अभी मेरे से ये एग्री थे, वो देखिए वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी बोल ही रहा था एक्सीडेंट कम हो और वो एक्सीडेंट हो गया, बट वो सिग्नल की दिक्कत नहीं, कोई लगता पीछे से मार दिया इसकी वजह से हुआ। वो फिट कर रहा है, पुलिस आने से पहले जाना चाह रहा है यहाँ से लग रहा है। वो हमारा दोस्त भी वहाँ गया देखने के लिए, वो दोस्त नहीं आज ही मिला था। सदाब भाई देखिए सिग्नल देख के आराम से निकल रहा क्योंकि रुका हुआ है गाड़ी, और हम लोग चले रूम की ओर। थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या है, नंबर प्लेट नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। हम लोग उधर ही पीछे ही देख रहे थे चाह रहे, वो उसको फाइनल बाइक कर देते हैं झुमरी तिलैया का जो झारखंड से ही है, और फाइनल बाइक करके निकल गए हम लोग बस अब पहुँचने ही वाले अपने रूम की ओर। ये बस स्टॉप यहाँ का एसी लगा हुआ है, मज़ा आ जाता है आप जब बस स्टॉप पर रुकेंगे तो, क्योंकि बहुत अच्छे लगता है गर्मी में के लिए, गर्मी क्योंकि गर्फ में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, गल्फ में गर्मी पड़ती है उसकी वजह से ये सिग्नल फिर से लग गया, वो गाड़ी फिर आ गई जिसका लगा था, वो जल्दी जल्दी भाग रहा लगता है। धन्यवाद सदाब भाई, चल गए अपने रूम में, भी चला अपना रूम, और धन्यवाद देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।